Good morning, dear students. Welcome to our MS class. Okay, I am your MS teacher myself, Chetan Kaur, and I will teach you MS. We will see today chapter number 3. The name of chapter is The Fox and the Grapes. The Fox and the Grapes. ये है अपने chapter का नाम. Okay. Now it is the story about the fox. Take out the page number 12, lesson number 3. I will read the lesson and I will make you to understand what is the story and what is the moral of the story. Now let us start our class. A fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine tree along with the branches of the tree. एक दिन एक फॉक्स ने वाइन यार्ड में ग्रेप्स के बहुत सारे बंच देखे जो ऊपर लटक रहे थे. इट इज द ग्रेप्स एंड द फॉक्स इज लुकिंग आफ्टर इट. ओके, द ग्रेप्स सीम रेडी टू ब्रश विद जूस एंड द फॉक्स माउथ वाटर एज ही लॉन्गिंग विद. और वो जो अंगूर थे वो पूरी तरह से पक गए थे और फॉक्स को उनको खाने की बहुत सी मन में इच्छा हो गई थी. उसके मुंह में पानी आ गया, कितनी जल्दी मैं ये अंगूर खा लूँ. द बंच हंग फ्रॉम अ हाई ब्रांच, पर वो अंगूर बहुत ऊपर थे. द फॉक्स हैड टू जंप फॉर इट एंड द फर्स्ट टाइम ही जंप ही मिस इट बाय अ लॉन्ग वे. और उनको पाने के लिए फॉक्स को छलांग देनी थी, जंप करना था, और उसने जंप किया भी पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाया. एंड ही मिस इट अ लॉन्ग वे, सो ही वॉक ऑफ अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड टुक अ रनिंग लीप एट इट ओनली टू फॉल शॉर्ट वंस मोर. अगेन एंड अगेन ही ट्राई बट ही इन वेन. और उसने फिर क्या किया, दूर गया, फिर दौड़ा और जोर से जंप किया पर थोड़ा सा बच गया. एक बार और ट्राई किया, उसने बहुत ट्राई किया पर वो अंगूर उसके हाथ में नहीं लगे क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थे. नाउ ही सेट डाउन एंड लुक एट द ग्रेप्स इन डिस्गस्ट. ही रियलाइज्ड दैट व्हाट अ फूल ही वाज टू बी वेयरिंग हिमसेल्फ आउट टू गेट अ बंच ऑफ सॉरो ग्रेप्स दैट वर नॉट वर्थ गेजिंग फॉर हिम. फिर वो थक के बैठ गया और सोचने लगा, हाय मैं कितना पागल हूँ, ये तो बहुत खट्टे अंगूर और इनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतने जम किए, क्या मतलब निकला. एंड ही वॉक वेरी वेरी स्कॉर्फुल, और वो ये शब्द कह के निराश होके चला गया और उसको वो अंगूर खाने को नहीं मिले क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे थे और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए. ही ट्राई सो मच बट ही कांट एबल टू रीच द ग्रेप्स. एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मॉरल ऑफ स्टोरी यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है. वी लर्न दैट नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानी. अगर एक बार नहीं होता है तो दूसरी बार ट्राई करना है, तीसरी बार ट्राई करना है. वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग, नेवर गिव अप. किसी चीज को पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. ओके, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. एंड आई विल सेंड द एक्सरसाइज पिक्चर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू.